मेरा नाम कुणाल आकरे है सर। मेरा एक क्वेश्चन है कि पढ़ा एग्जाम के टाइम पे सर सब पढ़ाई हो जाता है पर एग्जाम के टाइम पे प्रेशर की वजह से सब भूल जाते हैं पेपर लिखने के टाइम। बिल्कुल सही, ये आप ही का प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सभी का प्रॉब्लम है कि जो भी अपने माइंड पर ज़्यादा प्रेशर डालेगा, ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करेगा, तो माइंड जो है वो जब एंजाइटी वाले स्टेट में आ जाएगा ना तो पढ़ा हुआ भी भूल जाते हैं। इसलिए स्मार्टनेस क्या है कि आपने पढ़ाई पूरी की, एग्ज़ाम्स के टाइम पर आप अपने को रिलैक्स करो, माइंड आपका रिलैक्स होना चाहिए। माइंड जितना काम रहेगा, जितना उसमें एंजाइटी कम होगी, उतना वो बढ़िया तरह से रिकलेक्ट करेगा, उतना वो पावरफुल रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जो जो आपने पढ़ाया सब कुछ वो याद करेगा और बहुत आराम से आप उसको एग्ज़ाम में आप लिख के भी आ जाओगे। लेकिन अगर आपको एंजाइटी हो गई, आपने बार बार ये सोचा कि मुझे आता नहीं आता, बार बार उसी के बारे में सोचा, एग्ज़ाम्स के बारे में सोचा, ये सोचा कि एग्ज़ाम में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस जितना आप सोचते जाओगे उतना माइंड ज़्यादा एंजाइटी से भरता जाएगा, और जितना माइंड एंजाइटी से ज़्यादा भरता जाएगा उतना आपकी उसकी पावर ख़त्म होती जाएगी और आप उतना ज़्यादा ख़राब परफॉर्म करोगे, राइट। सो आपको ऐसे तरीके ढूंढने हैं कि आपका माइंड कैसे शांत रहे, खासकर एग्ज़ाम्स के दिनों में, है ना। तो जितना शांत रहेगा, जितना काम रहेगा माइंड, उतना आप अच्छा करोगे। तो माइंड को काम रखने के बेटा दो तीन तरीके आज बताऊँगा, तुम उसको अभी भी करके देख लेना। अभी हाथ के हाथ हम करते हैं, उससे सीधे तुम्हें मालूम चलेगा कि ओह ये तो बड़ा मैजिकल है, एकदम मन एकदम शांत हो जाता है। तो आपको आंखें बंद करनी है और अपनी गहरी सांस लेनी है। आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। जैसे ही आप एक गहरी सांस लेते हो, स्लो धीमी गहरी सांस, वैसे ही आप देखते हो कि आपका जो माइंड में जो सोचने से जो एंजाइटी बन रही थी उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हो। सांस छोड़ो एक बार और, दोबारा आंखें बंद करके गहरी सांस लो, एक्सहेल, सांस छोड़ो धीमे से, अभी आंखें खोलो। अभी महसूस किया तुमने कि सांस धीमी गहरी सांस लेने से तुरंत इमिडिएटली माइंड शांत हो गया, और जो शांत माइंड है वो इतना पावरफुल माइंड है, वो उसमें बहुत बड़े बड़े सुपर आइडियाज़ आते हैं। ये दुनिया जो चल रही है वो क्या है, आइडियाज़ की दुनिया है। सक्सेस का मतलब है कि आपको कोई ऐसा आइडिया आना, यूनिक आइडिया आना, फिर आप उस आइडिया पर काम करते हो तो आपको सक्सेस मिलती है ना। सो वो आइडिया आता कैसे है, शांत शांत माइंड में आता है। जो डिस्टर्ब्ड माइंड है उसमें कोई आइडिया आएगा, और आएगा भी तो बेकार से आएगा। इसलिए जब एग्ज़ाम्स के दिनों में बेटा, जब भी तुम्हारा ऐसे मन में लगे कि एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो आंखें बंद करके 5 बार लंबी गहरी सांस ले लो, एकदम माइंड एकदम शांत हो जाएगा और फिर आप लिखना शुरू कर दो, राइट। माइंड फिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। हमारी इस मुहिम में हमारे मददगार बने और वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं।